विजयते श्रीमन्मथुराधीश प्रभुः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम नवमी श्री राम जन्मोत्सव की सभी को मंगलमय शुभकामना। भारत में कोई भी उत्सव हो, भारतीय धर्म प्राण प्रजा सभी उत्सवों को उत्साह से मनाती है। यह रामनवमी तो श्री राम के धरा पर पधारने का महामहोत्सव है। श्री राम का चरित्र रामायण के रूप में प्रत्येक भारतीय के हृदय में विराजमान है। श्री रामचरित्र ने प्रत्येक प्राणी को सदाचार, प्रेम, करुणा के साथ साथ एवं अप्रतिम मर्यादा के साथ जीना सिखाया है। इसलिए श्री राम किसी ना किसी प्रकार से हम सबके जीवन में बसे हैं। श्री राम का चरित्र एक आदर्श है संपूर्ण विश्व के लिए। स्वार्थ से ऊपर उठकर श्री राम ने हमें दूसरों के लिए जीना सिखाया। पिता के एक वचन पालन करने के लिए 14 वर्ष का कठिन वनवास सहन किया। पुत्र, भाई, मित्र, पति, स्वामी, राजा के हर रूप में श्री राम ने अपनी लीला से व्यवहारोपदेश दिया है कि जीवन में हम कैसे किसके साथ कैसे व्यवहार करें। श्री राम के जीवन में सहनशीलता है और जीवन की हर मर्यादा की प्रतिमूर्ति हैं श्री राम, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आज ऐसे कोरोना के भयावह काल में श्री राम नवमी उत्सव का आना हमें यही संकेत देता है कि हमें श्री राम से मर्यादा में रहना सीखना चाहिए। आज हम वर्तमान समय में राम के चरित्र को ध्यान में रखते हुए उनसे यही मर्यादा सीखें कि अगर श्री राम पिता दशरथ के एक वचन को पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रह सकते हैं, तो क्या हम अपने देश के और देशवासियों की भलाई के लिए कुछ दिनों तक घर में चैन से नहीं रह सकते? श्री राम को याद करो तो जरूर रह सकते हैं। हम रामायण से ही सीखते हैं कि हम घर की लक्ष्मण रेखा को पार न करें, वरना रावण जैसे वायरस की पहुंच में आ सकते हैं। जब देश में लॉकडाउन चल रहा है तो देखिए देशवासियों को श्री राम की याद आ रही है। पुनः दूरदर्शन चैनल पर प्रसिद्ध रामायण धारावाहिक का प्रसारण किया जा रहा है। आज फिर से श्री राम घर घर पहुंचकर मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम धनुर्धारी श्री राम से यही विनती करते हैं कि अपने अमोघ बाणों के प्रहार से कोरोना का अंत करके विश्व में शीघ्र शांति का प्रसार करें। मैं पुष्टिमार्ग आचार्य होने के नाते श्रीवल्लभाचार्य चरण की वाणी में कहूँ तो श्री आचार्य चरण श्री पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम में श्री राम लीला का वर्णन करते हुए आज्ञा करते हैं, अयोध्या पति अत्यंत सर्वलोक सुखप्रद। श्री राम अयोध्या के रक्षक तो हैं ही, किंतु सर्व विश्व को एवं समस्त लोकों को अतिशय सुख देने वाले हैं। अतिशयितम सर्वलोकेभ्यः सुखम प्रदाति। मैं आज के इस रामनवमी के पावन उत्सव पर श्री मथुराधीश प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप श्री राम स्वरूप से समस्त विश्व की रक्षा करें, सभी का कल्याण करें। अतः मैं पुनः कहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा को हम अपनाकर इन दिनों को बिना कोई भय के व्यतीत करें। श्री राम के कष्टमय 14 वर्ष के वनवास के आगे ये लॉकडाउन के 21 दिन तो कुछ भी नहीं है। सभी को एक बार और राम जन्मोत्सव की बधाई संग शुभकामना। रामो राजमणि सदा विजयते किम अधिकम।